नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों को मनीष तरड़ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। स्वागत करता हूं आपका। और जो पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज की जो ये वीडियो कवर करने के लिए पहुँचे हैं, हर बंदा जानता है इनको, डंग डेयरी फार्म पर। आगे की जो जानकारी है वो लेंगे अंकल जी के साथ और काफ़ी सारी संख्या में जो इनके फार्म पर आज की डेट पर गायें बिक्री के लिए अवेलेबल खड़ी है, तो सभी ये जो गायें आपको एक एक करके चलाकर भी दिखाएंगे। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वीडियो पसंद आती है तो आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। आगे की जानकारी लेते हैं अंकल जी के साथ। नमस्कार अंकल जी। नमस्ते। नमस्ते मनीष जी, डंग डेयरी में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। और सुनाओ मनीष जी, क्या हाल है? बढ़िया जी, अपने सुनाओ। बढ़िया जी, बढ़िया। काफी दिन बाद में वीडियो आ रही है मनीष जी। एक तो ग्राहक बहुत ज्यादा था। हाँ जी, ठीक है। एक आता है, दूसरा फिर तैयार ही रहता है आने के लिए। बिल्कुल। फिर थोड़ा सा हम पहले से चाचा भतीजा का पार्टनरशिप। बिल्कुल। बेटे को अलग करवा दिया, उसको गांव में करवा दिया, खुद इधर करने लगे अपना। ठीक है, ठीक है। और बाकी भैंस भी दिखाएंगे आपको आज। हाँ जी। और गायें भी टॉप की टॉप। हाँ जी। साहिवाल, राठी, HF, क्रॉस ब्रीड की। क्रॉस ब्रीड की जैसी गायें कहेंगे वैसी दे देंगे आज। तो ठीक है, कितनी गायें खड़ी आज की डेट पर? गायें 13 है शायद। ठीक है, 13 गायें खड़ी। दो भैंसे हैं, एक भैंस ना थोड़ा सा पक्का मान गई, मैंने पक्का आज ही चालू करवाया था 2-3 दिन से। हाँ जी। एक भैंस पक्का मान गई है। हाँ जी। दूध है 11-12 किलो, भी 10 दिन की ब्याई के नीचे भी मेला नहीं चला। बिल्कुल। दूध 13 की गारंटी दे देंगे अपने स्टाम्प पे लिखे। चलो बढ़िया। और अब बताएं अपना नाम और यहाँ का एड्रेस। मेरा नाम वैसे तो तेजेंद्र पाल सिंह डंग। हाँ जी। वैसे मशहूर हूँ कालू डंग के नाम से, हर बंदा जानता है। हर बंदा जानता है। और आपकी वीडियो भी अच्छी चलती है। मैं लोगों से माफी चाहता हूँ, लोग हाँ बोलते हैं डंग साहब क्या बात काम छोड़ दिया या क्या बात नाराजगी है वीडियो नहीं लगा रहे। हाँ जी। तो मनीष जी, एक तो ग्राहक है। हाँ जी। एक प्लस थोड़ा सा होने के कारण कभी कोई ग्राहक आ गया, कभी कोई ग्राहक आ गया, उनको अटेंड करने में वीडियो नहीं लग पाई मेरी। बिल्कुल जी, जी। अब अपना एड्रेस बताएं और मोबाइल नंबर। मेरा एड्रेस है जिला श्री गंगानगर। हाँ जी। तहसील पदमपुर, रहने वाला गैसिंगपुर, बॉर्डर पाकिस्तान पे। ठीक है, पाकिस्तान का बॉर्डर यहाँ से 5-6 किलोमीटर 5-6 किलोमीटर है और गंगानगर से 60 किलोमीटर है भैया। ठीक है, गंगानगर से 60 किलोमीटर गजसिंहपुर। जी जी। ठीक है, और मोबाइल नंबर अपने। मोबाइल 9961-3982-28। हाँ जी। 9962-7979। ठीक है, ये अपने दो कॉन्टेक्ट नंबर है। एक मैं बोलना चाहूंगा भाई, छोटी सी रिक्वेस्ट है। हाँ जी। अगर कोई भी भाई, मैं नहीं भी कॉल उठा रहा किसी कारण, मान लो व्हाट्सएप पे कॉलिंग छोड़ के वॉइस मैसेज कर दे। बिल्कुल जी, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे। इंग्लिश में थोड़ा सा हार्ड टाइट है, अगर कोई भाई करना चाहे तो वॉइस मैसेज से बात कर सकते हैं। हाँ, उसको तुरंत जवाब मिलेगा। ये नहीं भी किसी का फोन नहीं उठा रहे, क्योंकि बीच में फोन चलते रहते मजा नहीं आता। बिल्कुल जी। जी, तो फिर आज की वीडियो में स्टार्टिंग प्राइस क्या होने वाला है? स्टार्टिंग प्राइस आपको 55,000 से शुरुआत करवा देंगे, भैंस की 65,000। ठीक है, गाय की 55,000 से आज की वीडियो में शुरुआत है। जी। ठीक है, टोटल कितनी गाय बिक्री में दिखाएंगे आज की वीडियो? 12-13 गाय है अभी। ठीक है, वीडियो में कितनी दिखाओगे? सभी दिखाएंगे, पर दूध वाली गाय जो अभी ब्याई हुई है। हाँ जी। वो है 1, 2, 3, 4, 5 गाय है। ठीक है, 5 गाय ब्याई हुई, बाकी क्या भी नहीं? जी। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर जो ये जर्सी गाय दिखा रहे हो, इसके बारे में बताएं डिटेल से। ये मनीष जी जर्सी गाय अभी दांतों में ही है। ठीक है, ब्यांत कौन सा है? ब्यांत पहले ही है। ठीक है, पहले ब्यांत की है। अभी 17-18 किलो खीस तैयार है। ठीक है, ब्याई कितने दिन की होगी? ब्याई आज चौथा दिन ही है मनीष जी। बच्चा क्या साथ में? बछड़ा है शायद। ठीक है, बछड़ी है, बछड़ी। एक बार देख ले यार भाई, फिर कंफ्यूजिंग ना रह जाए। हाँ जी, क्यों कल को फिर बात देने आ जाती है यार आपने। बछड़ा है यार, बछड़ा है। ठीक है, साथ में बछड़ा है। बछड़ा जी। ठीक है, खोल कर चलाना भैया इसकी तरह। इसके पीछे बछड़ी है, उसके पीछे बछड़ी है, उसके पीछे बछड़ा है। ठीक है, इसके साथ में बछड़ा है। और ब्याई कितने दिन की बताई? ब्याई आज मनीष जी चौथा दिन है। ठीक है, चौथा दिन है और 17 किलो दूध तैयार है। दूध तैयार है अपने। ठीक है, हाइट जो जर्सी की होती है वही हाइट है? नॉर्मल हाइट है ना, तो बड़ी, जो हाइट नॉर्मल जर्सी की होती है। हाँ जी। ऐसे झूठ मार के बोलते बहुत ही बड़ी है, बहुत ही बड़ी है।
वो काम नहीं करेंगे। बिल्कुल, हाइट है वो छोटी है और अडर है वो बड़ा है। अडर तो इतनी तो खुद भी नहीं है। हाँ जी, इतना अडर है। बिल्कुल। और दूध ये कितना निकाल देगी? मनीष जी 20 किलो तो निकालना चाहिए इडर के हिसाब से। ठीक है, 20 लीटर। 20 ऊपर ले चल। और कीमत निकालना चाहिए? कीमत 67,000 की पहुंच करवा देंगे 500 किलोमीटर में। ठीक है, 67,000। हाँ जी, 67,000। बाकी मानदान कर लेंगे। ठीक है, मौके पर हो जाएगा। मौके पे मानदान करें। क्वालिटी देखो, जितनी भी कह लो उतनी सुंदर है। बिल्कुल है जी। बस 2 मिनट बाजी। कीमत है वो 67,000 रुपए, 67,000, 500 किलोमीटर तक। लोग कह देते हैं गाय का बाजार बहुत ही ज्यादा तेज है, क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात, MP, अब तो यूपी वाले भी लेने लगे हैं। बिल्कुल जी, अब तो यूपी वाले भी लेने लगे हैं। सही, गाय जो काफी तेजी है अब इस टाइम में, क्योंकि दूध की सभी को जरूरत है। कटाई का टाइम है, फसल जो भी है पूरा लंबा टाइम है। बिल्कुल, तो इसकी कीमत है जो 67,000 रुपए जी। इससे आगे दूसरे नंबर पर जो ये गाय, ये मनीष जी साहिवाल क्रॉस में है। हाँ जी, ठीक है जी, साहिवाल क्रॉस में है। पहले ही ब्यांत है, मुंह में से 2 दांत है। ठीक है, पहले ब्यांत के मुंह से 2 दांत, पीछे बछड़ी है 14 किलो। अभी 2 टाइम अपनी लाइव मिल्किंग देख के फिर टोकन मनी कर ले। ठीक है, 14 लीटर तैयार है। ब्याई कितने दिन? ब्याई आज मनीष जी हो गया 3 दिन है। ठीक है, 3 दिन की ब्याई, सॉरी 4 दिन है। खोल दी भैया। अगर कोई भाई इसकी वीडियो भी देखना चाहे, बहुत ही तूफान थी नीचे की। ठीक है, जब ब्याई थी। हाँ जी, तो अब तो कल ही आई है, क्योंकि टाइम हमारे पास ये नहीं, भी 1 रुपए का भी टाइम नहीं है। बिल्कुल जी, भाई साहब आए यूपी से, उनको 8 बजे मिल्किंग दिखाई है। हाँ जी, अभी तो कुछ भी नहीं है इडर इसका, शाम को भरेगी, देखना वीडियो, वाकई मन खुश हो जाएगा। 2 मिनट बाजी बस। सींग वो आप देखिए, छोटे सींग है नाम मात्र, वजन बहुत है, हाइट बहुत है, 2 ही दांत है। कीमत इसकी? कीमत 65,000 की पहुंच करवा देंगे। ठीक है, 500 किलोमीटर दायरे में 65,000 की बहुत है। बछड़ी में चाल ढाल बहुत अच्छी है। और बच्चा क्या साथ में? बछड़ी प्योर बछड़ी साहिवाल में। ठीक है, वो बछड़ी दिखा दो, लाल छोटी। ठीक है, ये वाली बछड़ी है, ये वाली बछड़ी है। ठीक है, और इससे आगे तीसरे नंबर पर जो ये गाय दिखा रहे हो, इसके बारे में? ये भी मनीष जी HF और जर्सी क्रॉस में है। ठीक है, इसके नीचे 16 किलो भी दूध तैयार है, थोड़ा सा ग्रीन जर्सी आई हुई है। ठीक है, 16 लीटर तैयार है। ब्याई कितने दिन की है? ब्याई आज मनीष जी होगी यार महीने के अंदर, ये बाहर नहीं है। ठीक है, 1 महीने के अंदर है, पीछे बछड़ी है प्योर जर्सी में। ठीक है, कोई भाई लेना चाहे 16 लीटर तैयार है। दूध मारने का तो 20 किलो वाला इडर है ये। बिल्कुल है जी, जो है बात साफ सुथरी करेंगे। और कीमत इसकी? 55,000 की 500 किलोमीटर। ठीक है, 55,000 की पहुंच हो जाएगी जी। खोलना बेटा, शरीर से थोड़ी सी पतली है, कमजोर है। कलर क्वालिटी बहुत है, थोड़ी सी गरीब घर पे ही है, अगर अच्छी होती हाँ तो बेचता भी 90 की। बिल्कुल सही, हाइट बहुत ज्यादा है, हाइट बहुत ज्यादा है, भेड़ बहुत है गाय का, जितनी कह लो उतनी सुंदरता है। और एक बात है, लोगों के दिमाग में आए, एक क्षण बच्चे ने मुंह लगा दिया था। हाँ जी, दूध पिया हुआ है, वो अपनी खरी कर ले, चाहे 2 टाइम कर ले, हमें कोई टेंशन नहीं है। 2 टाइम बच्चा ये वाला साथ में देखे फिर सोता कर ले, ये वाला बच्चा है साथ में। बच्चे ठीक है, माँ जैसी है बिल्कुल। कीमत है जो 55,000। 55,000, 16 किलो तैयार मौके पे। थाना वो आप देख सकते हो, मुठिया थाना है, मुठी थाना है, कोई टेंशन वाली बात नहीं, चुवाई दुवाई में बहुत मस्त है। और इससे आगे चौथे नंबर पर जो ये गाय दिखा रही है, ये भी मनीष जी जर्सी में है जी। ठीक है, ये अभी 6 दांत हुई है। ठीक है, ठीक है, सॉरी 6 हुई है। ठीक है, 6 हुई है, आज तीसरा ही दिन है मौके पे, 14-15 किलो भी मौके पे तैयार है। ठीक है, 6 दिन की भी है, 6 दिन के कोई टाइम नहीं लगा, सुबह 2 या 8 बजे। ठीक है, पशुधन आप भी देख रहे हो कितना ज्यादा है ना, तो हमारा टाइम लगाने का वो है नहीं, लगाएंगे कभी पशुधन को। बिल्कुल, थान चड्डे की बहुत साफ है, चला के दिखाना बेटा। और कीमत इसकी? कीमत 57,000 की पहुंच करवा दूंगा 500 किलोमीटर में। 57,000 की पहुंच हो जाएगी जी। इडर देखो कितना प्यारा है। और बच्चा क्या साथ में? बछड़ा है जी, बछड़ा तो बहुत बड़ा दिया है, जो गाय इतनी बड़ा बच्चा दे दिया। ठीक है, ये वाला जो बैठा है कबरा भी वाइट वाला। ठीक है,
कीमत है वो 57,000 रुपये, हाँ जी, 500 किलोमीटर ट्रांसपोर्ट के साथ। और इससे आगे जो ये भैंस दिखा रहे हो इसके बारे में, ये मनीष जी डेयरी व्यवसायिक भैंस है, हाँ जी, एक महीने की ब्याई, एक से ज्यादा हो गए, कम नहीं है, ठीक है, ये दे देंगे 65,000 की, बाकी मौके पे मानतान भी कर लेंगे, ठीक है, मानतान भी कर लेंगे। अभी दूध तैयार है 10 किलो, हाँ जी, 13 था, सर्दी के कारण कुछ सेवा में कमी होने के कारण दूध कम हुआ है, ठीक है, 10 लीटर, 10 लीटर अपना दो टाइम लाइव मिल्किंग देख सकता है, ठीक है, कीमत 65,000 रुपए, खुला खुला कर दूंगा। और बच्चा क्या साथ में, बच्चा कटड़ा है जी, वो आगे बैठा हुआ है, ठीक है, हाँ जी अंकल, इससे आगे जो ये बच्चे दिखा रहे हो इसके बारे में बताएं डिटेल से। ये मनीष जी अभी दो ही दांत है, ठीक है, हाइट देखो मेरी, हाइट है 6 फुट के करीब, ठीक है, बछड़ी की हाइट देखो, नस्ल देखो, क्वालिटी देखो, अभी दो ही दांत है, बिल्कुल शांत स्वभाव के, 15 दिन कच्ची है, खोल ले। और दूध कितना दे देगी, दूध मनीष जी पहले ब्याह देना चाहिए 27-28 किलो, तो ठीक है, माँ की रिपोर्ट बहुत अच्छी थी, दो ही दांत है अभी, दो दांत है, फुल हाइट लेंथ, फुल हाइट लेंथ, फुल वजन में पानी ऑर्डर आप देखिए, काफी बड़े साइज के, बहुत ही क्वालिटी में, मैं कह रहा पूरी भरपूर है जी। और कीमत इसकी, कीमत नहीं बताएंगे इसकी, ठीक है, कीमत थोड़ी सी गुप्ती रखेंगे इसकी, क्योंकि अच्छा। बाद में बाग कहते हैं डंग साहब इतने में तो भैंस आ जाएगी, भैंस से भी ज्यादा गाय का रेट हो रहा है, बिल्कुल जी। और इससे आगे जो ये गाय दिखा रहे हो इसके बारे में बताएं डिटेल से। ये मनीष जी अभी ये भी दो दांत है, अभी 20 दिन ब्याने में ले रहे हैं, 9 तारीख को दिन पूरे हैं इनके, ठीक है, 20 दिन का अभी समय बाकी, 20 दिन का समय, आज कितनी होगी 27, हाँ जी 27, मान लो 6 दिन, 15 दिन मान के चलो, 15-18 दिन के बीच ले जाएगी, ठीक है, ठीक है, अभी ये भी दो ही दांत है, ठीक है, ये भी दो दांत है। और कीमत इसकी भी, कीमत है मनीष जी गुप्त रखेंगे इसकी, सभी इन सभी, ये इन सभी की गुप्त है, ठीक है, ये भी दो दांत है, हाँ जी, पहले ब्याह था, बॉडी स्ट्रक्चर देखो, क्वालिटी देखो, काफी बड़ी, बहुत बड़ी, दूध कितना दे देगी, दूध ये सभी फार्म की बछड़ी है, हाँ जी, दूध 20+ ही मानो, 27-28, 26-27, 26, ये ठीक इनका है। रिपोर्ट है, कोई डॉक्यूमेंट भी चाहे अपना दे सकते हैं फार्म के, ठीक है, इससे आगे वाली आई है ना, आगे वाली ब्लैक की बायोडेटा दे देंगे, हाँ जी, इससे आगे ब्लैक इसके बारे में, ये मनीष जी अभी 1 महीना कच्ची है, ठीक है, महीना मुँह में से खीरी, ठीक है, बिन दांत के दूध वाले दांत है अभी, ठीक है, वजनदार पूरी हाइट लेंथ देखो, क्वालिटी फेस क्वालिटी देखो, बिल्कुल पूरी वजनदार है, अभी थन में हीटर स्टार्ट हुआ, 1 महीना कच्ची है अभी, इसका माँ का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है, बॉडी स्ट्रक्चर देखो, क्वालिटी देखो, नस्ल देखो, हाँ जी, कीमत इसकी भी गुप्त है, इसकी गुप्त, ठीक है, ये बछड़ी ले रही है, ये भी 20 दिन की कच्ची है, ठीक है, आप कहेंगे यार डंग साहब कोई दूध तैयार की गाय नहीं लेके आए, क्या लेके आए भैया, माल ही नहीं मिल रहा, बिल्कुल जी, जैसी मिल रही है वैसी ले, जैसी मिल रही है कच्ची बच्ची उठा लो यार, अपने आप फार्म पे खा के हो जाएगी, बिल्कुल है जी, क्योंकि महाराष्ट्र और गुजरात के लोग आ रहे हैं ना, हाँ जी, वो यही कहते हैं हमें 1 महीना कच्ची दिलाओ, ठीक है, क्योंकि ना तो सारा झंझट रास्ते में ब्याने का, बिल्कुल, ना ही कच्ची ब्याएगी, अच्छा खून पानी होगा, हाँ जी, तो वो कहेंगे अपने आप वहाँ ब्याएगी, वहाँ सेट हो जाएगी अच्छे वातावरण में, बिल्कुल कोई टेंशन वाली बात नहीं, महीने के अंदर अंदर पशु सेट हो जाता है, सेट हो जाता है जी, बिल्कुल। और ये बछड़ी दूसरे ब्याह था, ठीक है, अच्छी रिपोर्ट है इसकी भी, 27-28 किलो की रिपोर्ट थी, ठीक है, अब फर्स्ट सेकंड टाइम ब्याएगी, फर्स्ट टाइम में अच्छा रिपोर्ट था दूध का, थन देखो मुठिया थन लगे हुए, अभी तो कच्ची है, दिखाने का मन भी नहीं था, हाँ जी, इसे आगे वाली के बता दो। ये मनीष जी गाय अभी 20 किलो दूध तैयार था, ठीक है, इसका बच्चा मर गया और स्पेस कम है, जगह कम है, हाँ जी, तो कहने का मतलब नहीं समझ में आ रही पशु की, तो ठंडी के कारण नुकसान बहुत हो गया, 5-6 बच्चे मर गए थे मेरे, ठीक है, इस हफ्ते में इसका भी दूध रिपोर्ट बहुत अच्छी है, हाँ जी, 20+ की थी, अभी मौके पे 17-18 किलो तैयार है, कीमत इसकी बताओगे, 55,000 की, 500 किलोमीटर में दे देंगे, और भी मानतान कर लेंगे, ठीक है जी। और बाकी आज की वीडियो में आपको गाय कैसी लगी आप नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, बाकी सभी भाइयों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। कहाँ से है जी? यूपी से है जी। ठीक है, यूपी कहाँ से? यूपी में, अलीगढ़ से। ठीक है, यूपी अलीगढ़ से। अंकल जी के पास आप आए हो, यहाँ गाय खरीदने आए हो या भैंसे?
भैंसे लिए। ठीक है, भैंसे खरीदने आए हो यहाँ पर। और आपका संपर्क कैसे हुआ? हमारा संपर्क यूट्यूब से हुआ, वीडियो देख करके। ठीक है ठीक है, दूसरी बार आए हैं हम। ठीक है, पहले भी आके गए थे जी। यहाँ से लेकर गए? हाँ जी, लेकर गए। ठीक है, अब की बार कितनी भैंसे खरीदी है? 4। ठीक है, अंकल जी का रहने खाने पीने की सुविधा कैसी है? बहुत अच्छा सब। ठीक है, सभी अच्छा है। अगर कोई ग्राहक और आना चाहता है इनके फार्म पर, तो आप क्या कहना चाहोगे? बंद करके आना चाहिए उसे। ठीक है, दगा वाली कोई बात नहीं है इधर। ठीक है, नहीं होगा किसी के साथ, घर जैसा रहना सहना बढ़िया चंगा। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया जी। तो अंकल जी फिर कैसी दिलवाई है गायें वैसे इनको? मैं मनीष जी, मैं खुद प्रशंसा नहीं करूंगा अपनी। हाँ जी, मैं भाई लोगों को पूछो। हाँ जी, जो इन्होंने जितने की भैंस बोली उसमें 5-7 हजार मंदी लेके दी है। जो मार्केट में 90 का रेट था वो 85 में लेकर दी। ठीक है ठीक है, फिर तो आपका 5 हजार फायदा ही किया। फायदा किया। ठीक, हर पशु में किया? हर पशु में किया। और सबसे यार, मैं देखो ग्राहक होता भगवान करूँ। बिल्कुल जी, मैं अदरवाइज किसी फार्म का नाम नहीं लूंगा। हाँ जी, ये भैया लोग पहले मेरे पास लेके गए थे 6 भैंसे। ठीक है, उनमें से एक भैंस बाखड़ी थी, मैंने मना करते करते मैंने कहा ये भैंस मत रखो। ये कह रहे नहीं, हमें बहुत पसंद है। हाँ जी, ये 2 लाख की भैंस है। ठीक है, मैंने कहा नहीं यार ये नहीं लेंगे। ये जबरदस्ती वो भैंस लेके, उसमें कम्प्लेट आई, बाकी जो भैंसे 5 गई है 5ों टॉप की निकली है। ठीक है, फिर दूसरी बार किसी और फार्म पे गए चले ये। ठीक है, यहीं पर ही गए? यही, चाहे कहीं भी लगा लो, मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है ठीक है, उन बंदों से इन्होंने यूट्यूब के माध्यम से 2 भैंसे रखी। ठीक है, 2 भैंसे रखने के बाद उन्होंने ये बोला भी यार चलो ठीक है, मैं पेमेंट डाल रहा हूँ सारा। हाँ, तो मैं खुद लेने आऊंगा भैंसे। ठीक है, मैं किसी पे विश्वास नहीं करूंगा। हुँ. ये आए वहां पर, उतरे बस स्टैंड पे गए। हुँ. बोले भैया आके ले जाओ। कह रहे अरे पागल हो रहा है, इतनी ठंडी पड़ रही है, हम कहाँ आएंगे। अच्छा, ऑटो करवा लो। ये भी बंदे ही है, ठंड में आए। ठंड में आए, जो यार माल लिया उनकी इज्जत तो करनी चाहिए ना। बिल्कुल, पहले आया था आपसे मैं। ठीक है, उसके बाद इनने भैंसे देखी यूट्यूब के माध्यम से। हाँ जी, तो भैंस दिखाई बड़ी। हुँ. तो निकली छोटी छोटी। तो ये अच्छा। बोले यार भाई साहब ये तो नहीं होगा। तो अब ये आप बात खुद बताओ, फिर मेरे पे कहेंगे यार डंग साहब ये है। वीडियो में तो उन्होंने बताया था 15 लीटर। ठीक है, उस मौके पे निकला 12। ठीक है, 3 लीटर उड़ गया। उड़ गया, और गाड़ी में लोड जब पशु करा दिया, मैं बोला 5 हजार रूपए कम करो भाई, दूध तो पूरा है नहीं। हाँ जी, नहीं पशु रख दो, वो पशु को उतार लो। हाँ जी, अपने नौकर से उन्होंने बोला। हाँ हाँ, तो भाई ये तो कोई मान सम्मान की बात नहीं है। ठीक है ठीक है, बोले हमारे डंग साहब है, वहां से मैं लेकर गया हूँ 6 पशु पहले। हाँ जी, बोलो वहां से ऐसा वो नहीं है व्यवहार, वहाँ तो बहुत अच्छा है। चलो बढ़िया बात है यार। मनीष जी, सबसे बेटर बात ये है, लोग अपने पे इतना विश्वास कर रहे हैं। हाँ जी, अगर अपने किसी के साथ विश्वासघात करेंगे यार। चलो ठीक है, मैंने 12 बोला, वो 11 निकाल ले तो बेटर है, 10 निकाल दे तो भी बेटर है। अगर वो 6-7 निकालेगी तो झूठा आप ही हो गए, मैं होगा। हाँ जी, मैं भगवान से डर के कहता, लोग बहुत गलत कमेंट भी कर रहे हैं, चलो उनका भी शुक्राना करूंगा भाइयों का। हाँ जी, मेरे डंग साहब ये है, एक बार सेवा का मौका दो। हमारे पंजाबी में कहावत है, हाँ, जा तो राह पे जाने या वहां पे जाने। एक है। बार सेवा का मौका दो। अगर जहां तक भी आप लोगों की, जब अपने यार 2 टाइम मिल्किंग करवा के इन लोगों को दे रहे हैं। हाँ जी, फिर ऊपर अब तो किस्मत की बात है ना। बिल्कुल सही है, तो क्यों यार ये अगर 90-95 भैंस भी लगा रहे हैं, अपने 2 टाइम मिल्किंग करवा रहे हैं, तो क्या दिक्कत अपने करवाओ यार इनको। बिल्कुल सही है, पैसे भी लगा रहा है, अब तो मिल्किंग देखना भी आगे। भाग रहे हैं यार, देख सबसे बेटर 90 मांगा। हाँ जी, एक कम 90 लगा दिया भी यार, ले भैंस होगी। ठीक है, वो भैंस बार बार भाग रहे हैं, बार बार पीछे भाग रहे हैं भैंस के, यार 1000 का कमान नहीं हुआ, ये पूछ लो इनको। डंग साहब ने 13 लीटर दूध बताया था हमको। हाँ जी, भैंस में निकला है 14। ठीक है, 1 लीटर फालतू ही निकला। 1 लीटर फालतू, 4 टाइम मिल्किंग की है हमने, 4 टाइम खुद मैंने मिल्किंग करवाई है। और एक और सबसे बेटर बात ये है, अभी मैंने कहा भी मेरी इतने की खरीद है। हाँ जी, चलो इसका कटड़ा मर गया, ये डीप फ्रिज है, जब मर्जी धुलो। इन ये 4 दिन हो गए, मैं 3 दिन मेरे पास हो गए। हाँ जी, 4-5 बार तो इन्होंने मिल्किंग अपने हाथों से कर ली, 2 बार अपने भैया पानी जैसा, 14 किलो पानी जैसा निकला है, और अभी मेला नहीं चला। चलो बढ़िया, रिक्वेस्ट यही है भाई लोगों से। हाँ जी, कि डंग साहब के फार्म पर ही आए। ठीक है ठीक है, और भी देखा है यहाँ पर, 1-1000 रूपए की मानते नहीं है बंदे। ठीक है ठीक है, फिर डंग साहब आपको अच्छे लगे, और आपने डंग साहब को सिलेक्ट किया। डंग साहब बहुत अच्छे लगे। धन्यवाद जी, थैंक यू। नमस्कार नमस्कार।